अकादमी में पासिंग आउट परेड होने जा रही है, जिसमें भारतीय सेना को 347 सैन्य अधिकारी मिलने जा रहे हैं। साथ में ही मित्र देशों के 80 कैडेट भी पास आउट होंगे। और इस तरह से आज सुरक्षा के मद्देनज़र पूरा चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, और साथ में जवानों को, पुलिस जवान जो है वो पूरी तरह से अलर्ट हैं। और राजधानी देहरादून से चक्राता रोड को डाइवर्ट कर दिया गया है, जिससे आम लोगों को आने जाने की किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। फिलहाल चौकसी के नज़र से अगर देखें तो पूरी तरह से पुलिस राजधानी देहरादून में चौकस नजर आ रही है। कैमरा पर्सन विभू कांडपाल के साथ में राम अनुज, जी मीडिया देहरादून। देर में पासिंग आउट परेड शुरू होने वाली है। आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश के 53, हरियाणा के 51, बिहार के 36, उत्तराखंड के 26, दिल्ली के 25, महाराष्ट्र के 20, हिमाचल प्रदेश के 15, पंजाब से 14, जम्मू कश्मीर से 12, राजस्थान से 12, मध्य प्रदेश से 10, पश्चिम बंगाल से 8, कर्नाटक के 8, केरल के 8, झारखंड के 6, तमिलनाडु से 5, तेलंगाना से 5, ओडिशा से 5, असम से 5, चंडीगढ़ से 4 कैडेट्स जो शामिल हैं इस पूरे, एक तरीके से 347 जो कैडेट्स जो आज पास होंगे, उनमें कौन कौन से राज्य से लोग हैं वो हम आपको बता रहे थे। तो सेना को आज मिलेंगे 347 अधिकारी। वाकई एक वो पल होता है जो कहें कि सभी की आंखों में एक आंसू ले आता है, बेहद गर्व का पल होता है जब पासिंग आउट परेड होती है। और इसके बाद ये जो अधिकारी हैं जो सेना में शामिल होंगे, इनका भी जो जज्बा है वो देखने वाला होता है।